आज की बात का है कि आज जब सत्ता के करीबी अधिकारियों पर, सत्ता के करीबी चेहरों पर यदि इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, तो क्या सवाल खड़े होते हैं कि वाकई में ये सरकार जो है, सरकार के जो करीबी चेहरे हैं, ये भ्रष्टाचार के आगोश में डूबे हुए हैं? किरण मई जी, देखिए सवाल इस बात का है कि क्या ये सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए। एक साल को सरकार आए हुआ है और इस एक साल में भूपेश बघेल जी को हर तरीके से डैमेज करने की कोशिश मोदी सरकार और शाह ने किया है और ये उसी की कड़ी का एक काम है। आपके पास में क्या जानकारी है, क्या सबूत है, क्या तथ्य है, ये सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जांच में, क्योंकि जो व्यक्ति यदि काम कर रहा है और उसके पीछे में आप इस तरीके से पड़ेंगे तो ठीक है, देखते हैं ना धान जी के खिलाफ क्या निकलता है, कुटेजा जी के खिलाफ क्या निकलता है। ये तो अधिकारी वर्ग के थे, ये पहले भी आपके साथ थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। अधिकारी कभी किसी का नहीं होता है, परंतु आज यदि अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है तो उनको लग रहा है कि रमन सिंह जी की पोल खोल रहे हैं। नान घोटाले का जो है 36,000 करोड़ का घोटाला है, उसके दस्तावेज टुटेजा जी दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो दस्तावेज घरों में है इन अधिकारियों के पास, उन दस्तावेजों की तलाश में ही ये छापे मारे गए हैं, ताकि इनकम टैक्स आड़ की आड़ में, इनकम टैक्स की आड़ में वो सारे दस्तावेज गायब किए जाए। बिल्कुल वकील ने आशीष जी, आप सुन रहे हैं किरण मई नायक जी एक बड़ा एलिगेशन भी लगा रही हैं, क्योंकि नान घोटाले का भी जिक्र किया है और जिस तरह से टुटेजा का भी उन्होंने जिक्र किया है, क्या वाकई में इस तरह ये एक माइट भी पॉसिबिलिटी बन सकती है? और दूसरी चीज ये है कि इतने बड़े ह्यूज लेवल पर इस तरह की कार्रवाई, वो भी पिछले 15 दिन से आयकर की टीम अलग अलग प्रदेश की अलग अलग जगहों पर कंटिन्यू दबिश दे रही थी, मतलब मैसेज बिल्कुल साफ है कि हाँ कुछ ना कुछ तो है, तभी तो इतने बड़े लेवल पर कार्रवाई हुई है। और पॉलिटिकली, क्योंकि हम सोशल मीडिया को भी देखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो स्पोक पर्सन हैं छत्तीसगढ़ के, वो लगातार ये कह रहे थे कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है जब नगरीय निकाय चुनाव चल रहे थे। तो क्या इनको कोरिलेट किया जा सकता है? फिर देखिए, बिल्कुल किया जा सकता है और किरण मई नायक जिन मुद्दों को उठा रही है उसे खारिज नहीं किया सकता। जरूर ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि सेंट्रल आईबी ही क्यों, सेंट्रल आईटी ही क्यों, सेंट्रल की पैरामिलिट्री फोर्सेस ही क्यों। एक प्रोटोकॉल होता है कि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं रेड के लिए जा रहा है तो सबसे पहले उसे स्थानीय स्तर पर लोकल पुलिस को सूचना देनी है और स्थानीय लेवल पर जो पुलिसिंग लेवल पर जो एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया जाता है वो लोकल पुलिस ही करती है। लेकिन पहली मर्तबा छत्तीसगढ़ में इस तरीके की रेड देखने को मिल रही है कि राज्य सरकार को जानकारी नहीं है। सरकार को जानकारी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो प्रोटोकॉल कहता है कि प्रोटोकॉल में पुलिस को जानकारी देनी है, वो जानकारी भी पुलिस को नहीं दी गई और इस पूरे ऑपरेशन में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स यानी सीआरपीएफ के 200 से ज्यादा जवानों को डिप्यूट किया गया। एक जो तस्वीर निकल कर आई कि हमारे संवाददाता जब स्थानीय पुलिस अधिकारी से सवाल पूछ रहे थे तब पुलिस के अधिकारी ने उस प्रीमाइसेस से बाहर जाने के निर्देश दिए, यानी पुलिस को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सत्ता के रसूखदार लोगों के घरों पर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर भी ये सवाल है कि तो क्या ये फौरी तौर पर अचानक इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आशीष इससे तो एक बात ये भी क्लियर होती है ना कि जो स्टेट का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और ईडी है और साथ ही जो इंटेलिजेंस है, ये उसका भी फेल्योर है कि वो ये इनपुट्स नहीं हासिल कर पाया कि इतने बड़े लेवल पे आकर 15 दिन से अगर सेंट्रल की ईडी और आईटी कंटिन्यू मतलब अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही थी और अगर स्टेट लेवल पे नहीं पता पड़ पाता है तो ये तो स्टेट का भी फेल्योर है फिर। या इसे इस तरीके से इस मायने भी देखा जा सकता है कि क्या इंटेलिजेंस इनपुट था और क्या इसे नजरअंदाज किया गया। दरअसल जब वो पिछले दिनों मुख्य प्रधान आयकर आयुक्त छत्तीसगढ़ आए थे तब उन्होंने जो डाटा मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया था उस डाटा के हिसाब से 264 के आसपास ऐसे चिन्हांकित नाम थे जिनकी सूची फील्ड ऑफिसर्स को दी गई थी और फील्ड ऑफिसर्स को ये सूची देने के मायने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये माने जाते हैं कि इन्हें सर्विलेंस पर रखा गया था, यानी सर्विलेंस पर ये लोग पहले से मौजूद थे, सरकार के पास प्रारंभिक तौर पर ये इनपुट आया भी गया होगा।
लेकिन ये माना जाना चाहिए कि सरकार ने या तो इसे नजरअंदाज कर दिया या अधिकारियों ने दबा दी। तमाम अधिकारी डूबे हुए थे कि उन्हें इस बात का भान भी नहीं हुआ कि उनके खिलाफ इनकम टैक्स कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने जा रहा है। किरण भाई नायक जी से इसी सवाल का जवाब ले लेते। किरण भाई नायक जी, जिस तरह से मेरे सहयोगी कह रहे हैं कि 264 लोगों के नाम दिए गए थे जो हाईली रिस्क पर थे, रडार पर थे, उसके बाद आपके स्टेट के जो अधिकारी हैं वो शायद नामों को दबा गए या उन्होंने इसको प्रॉपर मतलब सीरियस, उनकी सीरियसनेस में भी कमी थी कहीं ना कहीं। फिर देखिए 264 नाम कौन से थे, उनमें ये नाम थे कि नहीं थे, और यदि 264 नाम थे तो या तो उनको सार्वजनिक कर देना था। सवाल यहाँ पर यह है कि इनकम टैक्स का जो पूरा कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में उनका कंट्रोल नहीं होता है। तो ये सारी भूमिका करना एक अलग चीज है, परंतु उसमें कार्रवाई करना, इसका कोरिलेशन कैसे निकलेगा जब 264 नामों की लिस्ट पता चलेगी। और निश्चित रूप से जो लोग अपने बड़े कारोबार करते हैं वो सारी चीजों की जानकारी वो लोग ज्यादा रखते हैं। ठीक है, करिए कार्रवाई, निष्पक्ष लगना चाहिए लोगों को, शासन में न्याय करना नहीं, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जो रणनीति है कि जो भी उनके खिलाफ होता है उसको कैसे दबाया जाए और कैसे उनको भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश के लिए मजबूर किया जाए, ये उनकी तो ओपन उनके चाल है जिसको आज पूरा देश का बच्चा बच्चा जानता है। जो भी भ्रष्टाचारी होता है वो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद दूध का धुला और पाप पवित्र हो जाता है। तो ये उनकी पॉलिसी है कि अपने सत्ता और सरकार को बचाए रखने की दिशा में वो हर काम दाम दंड भेद में वो माहिर है, और हमेशा आईबी CID और ये सारी चीजों का इनकम टैक्स का वो दुरुपयोग करते हैं और परेशान करते हैं। ऐसा नहीं है, सीबीआई को तो खैर यूपीए के वक्त भी मतलब पिंजरे का तोता बोल दिया गया था, खैर ये अलग बात है। लेकिन किरण भाई नायक जी, एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन, हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो क्या आने वाले वक्त में हमें ऐसी कोई प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी? देखिए, हमारी सरकार कभी भी किसी के खिलाफ झूठे मामले और करने की कोशिश कभी नहीं करती है। हमने ईमानदारी से जांच के लिए कुछ एजेंसियां बिठाई थी और जांच के बाद पुख्ता सबूतों के साथ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। किसी को अनावश्यक परेशान करने का काम माननीय भूपेश बघेल जी ने इन 7.25 सालों में नहीं किया है। कोई भी एक सबूत नहीं दे सकता कि उसके पीछे पड़ करके सरकार ने किसी को परेशान किया हो। ठीक है, हालांकि इस पूरे चर्चा में हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं किरण भाई नायक जी की भारतीय जनता पार्टी से भी कोई जुड़े और वो भी मतलब इन तमाम सवालों के जवाब दे, और कई सवाल आपने भी उठाए हैं, तो हम चाहेंगे आप भी हमारे साथ बनी रहिए, और इसी बीच हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से भी कोई हमारे साथ जुड़े जो इन तमाम सवालों के जवाब दे, क्योंकि इन तमाम सवालों के जवाब जानना बेहद हमारे लिए भी लाजमी है और देश की जनता के लिए भी। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है, एक बार हम रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा का। हेमंत, देखिए अभी भी जो आयकर विभाग की टीम है वो अंदर विवेक धन के घर पर मौजूद है, और अब जो लोकल पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है, और लोकल पुलिस के यहाँ पर सहायता ली जा रही है। जो यहाँ पर तेलीबांधा TI है मोहसिन खान, वो अपने पूरी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद है, और इसके अलावा जो केंद्रीय फोर्स है CRPF, उनके जो जवान है वो अंदर मौजूद है। पूरी कार्रवाई को जो आयकर विभाग की केंद्रीय टीम है उनकी कार्रवाई यहाँ पर बताया जा रहा है, और पूरी तरीके से एक बड़ा इनपुट मिला था और उसी इनपुट के आधार पर जो छापेमार कार्रवाई है वो की गई है। इसके अलावा जो यहाँ पर राज्य की IT टीम है उनको इस कार्रवाई के बारे में पता नहीं है। जब अधिकारियों को हमने फोन लगाया तो उनका साफ तौर पर ये कहना था रस्क कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है और हमारे द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ही नहीं था स्टेट के एम्प्लॉयज और सेंट्रल के एम्प्लॉयज में, IT और AG के डिपार्टमेंट में, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आज से 2-2.5 महीने पहले, उसमें 264 लोगों के नामों का जिक्र हो जाता है, उसके बाद भी मतलब ये जो स्टेट के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं जिन लोगों को जो फील्ड ऑफिसर हैं जिनको हम वरिष्ठ सहयोगी भी आशीष तिवारी ने भी जिक्र किया जिनको लिस्ट दे दी गई थी, मतलब उन्होंने भी इसको सीरियसली नहीं लिया। देखिए 12 फरवरी को जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त AK चौहान आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था
की हाई रिस्क 264 लोगों का हमारा नाम है, हमारे पास सूची है जो हाई रिस्क पर है, यानी जिन्होंने बड़ा ट्रांजेक्शन या इन्वेस्टमेंट किया है, और उन्होंने अपील भी उस समय की थी, इसके अलावा चेतावनी भी दी थी और कहा था कि ऐसे लोगों की सूची उन्होंने अपने जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े अफसर हैं, उनको दे दी है और वो उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे। और करीबन आज यहाँ पर 27 फरवरी है, अफसरों को उन्होंने वो लिस्ट दे दी है जो आने वाले वक्त में कार्रवाई करेंगे, उसके बाद भी अफसर सोते रहे। देखिए मुख्यमंत्री कल दोपहर में अचानक से दिल्ली रवाना हुए, हेमंत रुख करूंगी आपका। सचिन आनंद उपासने भारतीय जनता पार्टी से स्पोक पर्सन है, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किरणबेन नायक जी आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप जुड़ी रहिएगा। उपासने साहब बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस तरह से देख रहे हैं ईडी और आईटी की कार्रवाई को? एक सामान्य प्रक्रिया है जो बहुत समय से विभागीय की होती है। उस रेकी में जितने भी इस प्रकार के टैक्स चोरी के मामले या जिनके हिसाब किताब ठीक नहीं होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से रेकी में जिनसे बातें पाई जाती हैं, तो सामान्य रूप से ये विभाग अपनी कार्रवाई छापे के माध्यम से करता है, उसी का एक सामान्य प्रक्रिया है। एक सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं। इससे पहले हमारे साथ कांग्रेस स्पोक पर्सन किरणबेन नायक जी जुड़ी हुई थी, वो उनका ये कहना था, हम उस वक्त लगातार आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे आप लोगों को, लेकिन बात तब आप लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पाया। उनका सवाल था, इसको मैं पहले से ही बता दे रही हूँ, ये उनका सवाल था कि ये कार्रवाई राजनीतिक तौर पे की गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इसको पूरी ये षड्यंत्र के पूर्वक की गई है, राजनीतिक द्वेष के चलते इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इनकम टैक्स विभाग और जो विभाग हैं वो काफी से लंबे समय रेक करते हैं और जब नहीं, देखिए मैं उनका सीधा सवाल बता देती हूँ आपको और थोड़ी देर बाद उनकी बाइट भी सुनवा दूंगी आपको। उनका सीधा सवाल था कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की गई, 5 लाख का कारोबार करने वाले 5,000 करोड़ तक कैसे पहुंच गए, उनका सीधा सवाल। नहीं अब ये क्या कार्रवाई उनके ऊपर हुई क्या नहीं हुई ये तो विभाग बताएगा, हम उनके लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन एक सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी के भी अनेक नेताओं के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई इसी प्रदेश में हुई है, भाजपा के अनेक नेताओं के यहाँ इनकम टैक्स नहीं, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हुआ ना कि स्टेट पुलिस को या स्टेट के अधिकारियों को इन्वॉल्व ना किया गया हो, उनको इन्वॉल्व किया गया, उसके बाद इस तरह की दबिश दी गई और इस तरह की वेट पड़ी है। लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ है कि स्टेट पुलिस को और स्टेट के तमाम अधिकारी कर्मचारियों को इतर रखा गया और उसके बाद सीधे सीधे सीआरपीएफ के 200 जवानों के साथ कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दे दी गई, सवाल इस पे भी उठ रहे हैं ना सर? कई बार अनेक परिस्थितियां होती है, शांति व्यवस्था भी, और जिस प्रकार के व्यक्ति होते हैं प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं अनेक प्रकार के। अच्छा, तो मतलब आपका कहना यह है कि प्रभाव निपटने के लिए कि किसी प्रकार की शांति निर्माण न हो, उपासने जी परिस्थितियों को देखते हुए उसकी कार्रवाई इस प्रकार की होती है। ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि रमन काल में जितनी भी कार्रवाई हुई थी वो प्रभावशाली व्यक्ति नहीं थे। आशीष तिवारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए जो आपसे सीधे सवाल करेंगे। आशीष आप अपना सवाल कर सकते हैं। उपासना जी से एक सीधा सा और मोटा सा सवाल यही है कि सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को आईना भेजा था, क्या ये उस आईने का जवाब है कि सेंट्रल इनकम टैक्स जो है वो छत्तीसगढ़ आती है, सत्ता के करीबी जो चेहरे हैं उन चेहरों के घरों पर दबिश देती है, आईने का जवाब क्या आईना से? नहीं, आईने वाली बात इसमें है नहीं, सीधी सीधी टैक्स चोरी और सब प्रकार के जो आर्थिक अनियमितताएं हैं उन अनियमितताओं के चलते जो केंद्र की ये विभागीय कार्रवाई है इसकी, ये कोई राजनीतिक चश्मे से नहीं देखनी चाहिए या राजनीतिक आईने से नहीं देखनी चाहिए, ये पूरी तरह से आर्थिक अनियमितताओं के मामले होते हैं जिस पर नकेल कसना इस विभाग की जिम्मेदारी। आखिर ये संवैधानिक संस्था बनी इसीलिए है कि जो जिस प्रकार से ये कार्रवाइयाँ होती हैं उन बातों को नियंत्रण रखना और जो अनियमितताएं हैं उनको अपने शिकंजे में लेना, ये सारी बातें जो है ये एक सामान्य प्रक्रिया है।
ठीक है, लेकिन एक सवाल इस कार्रवाई में यह भी उठ रहा है कि एजाज ढेबर, फिर उसके बाद नान घोटाले में जो तमाम सबूतों को दे रहे हैं टुटेजा, उनके यहाँ भी क्या मतलब जिस तरह से किरणमयी नायक जी का कहना था कि सबूत जो उनके पास है उनको जुटाने के लिए, उनको लेने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। राजनीतिक द्वेष, मैं बार बार राजनीतिक द्वेष इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आरोप उनका है सर। हाँ, आरोप तो राजनीति में अब बौखलाहट है, जब इस प्रकार के छापे पड़ रहे तो भूत का दूध पानी का पानी होगा, यदि अनियमितता नहीं होगी तो क्लियर हो जाएगा। उन्होंने नाम लिया बृजमोहन अग्रवाल के यहाँ क्यों कार्रवाई नहीं हुई, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के यहाँ क्यों कार्रवाई नहीं हुई, और अगस्ता वेस्टलैंड मामले को लेकर भी कई अनियमितताएं सामने आई, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सवाल खड़ा किया है सर। हाँ तो शिकायत करें ना, यदि उनके कोई सर शिकायत की, उनका कहना है कि शिकायत की गई, उसके बाद भी सेंट्रल ने कोई अपने स्तर पर कार्रवाई करता है, वकील है किरणमयी नायक जी, उनको मालूम है कानून क्या है, बिना कानून के कोई बात होती नहीं है, बिना संवैधानिक प्रक्रिया के कोई बात होती नहीं है, वो केवल राजनीतिक चश्मे से न देखें किरणमयी नायक जी या कांग्रेस के नेता उसको। नहीं लेकिन वो ये कह रही है ना कि भाई शिकायत भी की गई थी, मतलब जो एलएमएल वस्पा जैसे स्कूटर पे जो आपके जो पूर्व मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल, और उन्होंने कई लोगों के राजेश मूना तो और कई लोगों के ऐसे नाम लिए हैं कि किरणमयी नायक जी भी स्कूटर में घूमती थी, आज किस गाड़ी में घूमती हूँ भी देख ले, मैं तो जानता हूँ उनको। सर अब आप बता दीजिए, आप साइकिल पे घूमते थे कि स्कूटर पे घूमते थे, फिर हम आपसे भी पूछ लेंगे। स्कूटर में आज भी घूमता हूँ, मेरे को स्कूटर पे देखोगे आप रायपुर शहर में घूमते। चलिए बहुत अच्छी चीज है कि आप तो जमीन से जुड़े हुए नेता है ना उपासना जी, इसलिए तो हमने सीधे आपको ही संपर्क किया है। हाँ, आप पे भ्रष्टाचार के आरोप भी नहीं है क्योंकि जमीन से जुड़े हुए नेता है, लेकिन फिर भी जो आरोप आपके दिग्गज नेताओं पे हो उन पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये आरोप लगाया गया है तो कार्यवाही सुनिश्चित होनी चाहिए। आज माननीय मोदी जी इसी कार्यवाही में लगे हुए हैं कि देश में जितनी आर्थिक अनियमितताएं हैं चाहे किसी भी दल के लोग हों उस पर निश्चित रूप से उसमें कार्यवाही होनी चाहिए। फिर जिस तरह से आरोप उन्होंने लगाया और प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया था कि अमित शाह के बेटे विजय शाह पर कार्रवाई होना चाहिए अगर इस तरह की अनियमितता पाई जाती है तो, और अगर ऐसा ना हो खुदा न खासा अगर केंद्र में सत्ता का परिवर्तन हो जाता है और अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो तब आप लोग इस तरह के आरोप तो नहीं लगाएंगे कि भाई ये राजनीतिक द्वेष के चलते इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अभी तो भूपेश सरकार वही कर रही है, आप तो देख ही रहे हैं कोई ना कोई मामले जो है कर रही है, इस राजनीतिक उद्देश्य से किए जा रहे हैं तो सबके सामने है। तो सर केंद्र भी तो फिर यही कर रही है, यही आरोप तो किरणमयी नायक जी लगा रही है ना। केंद्र ने नहीं किया है, सरकार ने नहीं किया है वो। अच्छा मतलब भूपेश बघेल कर रहे हैं, केंद्र की सरकार नहीं कर रही क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार बैठी हुई है। भूपेश बघेल की सरकार जिस प्रकार से लगातार कार्यवाही कर रही है और अदालतों में जिस प्रकार टिक नहीं रही है, आप देख रहे हैं जितनी भी एसआईटी गठित की एक भी एसआईटी अदालत में नहीं टिकी है, जितनी भी जांच की एक भी अदालत में नहीं टिकी है। अच्छा डेमोक्रेसी ही उड़ रही है। ठीक है आशीष, आप तो कोई और सवाल? सवाल यही है उपासना जी से, उन्होंने थोड़ी देर पहले यह कहा कि राजनीतिक चश्मे से इस कार्रवाई को नहीं देखा जाना चाहिए, तो उपासना जी कानून की भी उन्होंने बात कही। एक सवाल उनसे सीधा ये है कि एक प्रोटोकॉल होता है इनकम टैक्स की कार्रवाई जब भी एग्जीक्यूट की जाती है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय पुलिस प्रशासन को जानकारी में लेकर उसके सहयोग से ही रेड किया जाए या सर्वे किया जाए, लेकिन इस जो कार्रवाई की, ये जो कार्रवाई की गई है इस कार्रवाई में ये व्यवस्था नजर नहीं आती है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पर कार्रवाई में लगाया जाता है, स्टेट पुलिस की जो मशीनरी है उसे इस बात की जानकारी तक नहीं दी जाती, तो लगता तो यही है कि पॉलिटिकल रिवेंज के लिए पूरी कार्रवाई को एग्जीक्यूट किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, सेंट्रल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। उपासना जी बात को पूछ चुका हूँ इस बारे में, मेरे पास स्पष्ट जानकारी कि उनके नियमों में है कि जहाँ पर उनको लगता है तो सीधे सीधे वो सेंट्रल के ही इससे अपने प्रभाव से उसका उपयोग कर सकते हैं, ये उनके नियम में है। आप उसको ये नहीं चैलेंज कर सकते कि स्थानीय पुलिस को क्यों नहीं लिया आपने। नहीं ठीक है, ये उनका विशेष श्वेताधिकार है, उपासना जी चैलेंज नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो व्यवस्था बनी हुई है
प्रोटोकॉल को तो फॉलो किया जाना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं, सुन उपासनी जी, ऐसा तो है नहीं है कि पीएम मोदी से आप मिलने जाएंगे तो आप उनको जानकारी नहीं देंगे, सीधे सीधे उनके दफ्तर में पहुंच जाएंगे और आप उनको सूचित नहीं करेंगे। आप भी एक प्रोटोकॉल को ही फॉलो करेंगे ना कि भाई एक चिट्ठी पत्री, एक छोटा सा कागज भेजेंगे ही ना, तो उसी प्रोटोकॉल की बात हो रही है कि ये प्रोटोकॉल को तोड़ा गया है। तो सारी बातें जो है वो आपके अपरातपरी हो सकती है, जहाँ पर इस प्रकार के छापे पड़ते हैं वहाँ पर कोई सूचना नहीं मिलती है, उसकी रेकी काफी पहले से की जाती है। अच्छा, तो मतलब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कई स्पोक पर्सन लगातार काफी दिनों से ये कह रहे थे कि टैक्स चोरी को लेके राज्य में बड़ा खुलासा होने जा रहा है, तो मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के कई स्पोक पर्सन को पता था कि आने वाले वक्त में क्या सिनेरियो बनने वाला है? ये किसी को पता नहीं रहता है, लेकिन बहुत सी बातें जो है समय से दिखती हैं। अच्छा। बात तो जरूर बोला जाता है, जिस प्रकार से जो सारी बातें राजनीति के क्षेत्र में दिखाई देती हैं स्पष्ट रूप से, जैसे आप कह रहे हैं कि ब्रिजमोहन जी पहले स्कूटर में घूमते थे। मैं नहीं कह रही हूँ सर, मैं यहाँ पे मैं आपको करेक्ट कर दूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ पासनी जी। ये आरोप लगाया गया था, ये एलिगेशन लगाया गया था कांग्रेस पार्टी की स्पोक पर्सन किरण बेही नायक की तरफ से। नो, यू कांट से लाइक दैट, ये मेरा नहीं, ये किरण बेही नायक जी आरोप लगाते रहता है। नहीं, ये उनका आरोप है, मेरा नहीं। You don't blame me. हाँ, आप मुझ पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरा सवाल नहीं था, मैंने उनके बिहाफ में मैंने उनका नाम लेके आपसे सवाल किया था। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी स्कूटर में घूमते थे, तो मैं कहा इसको प्रमाण करें ना, शिकायत करें, यदि उन्होंने कोई अनैतिक ये किया तो सरकार तो उनकी है, क्यों नहीं करते हो कार्रवाई? अब आप कह रहे हैं क्यों नहीं करते कार्रवाई, अगर कार्रवाई की जाएगी तो आप कहेंगे कि राजनीतिक द्वेष के चलते इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बहुत से अधिकार हैं, यदि किरण बेही नायक जी इस बात को कह रही है तो कार्रवाई करें ना। ठीक है, हालांकि आप इस बात को नहीं मानेंगे कि केंद्र की तरफ से भी प्रोटोकॉल, केंद्र के अधिकारियों की तरफ से, ईडी और आईटी के अधिकारियों की तरफ से प्रोटोकॉल को तोड़ा गया है, आप इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि आप भी उनको डिफेंड कर रहे हैं। मैं जानता हूं नियम को, मैं भी वकील हूं। तो इसीलिए ना कि आप दोनों वकील हैं, आप दोनों ही कानून को जानने वाला ही बहुत अच्छे से जानता है उपासने जी, कि कानून को कैसे तोड़ना और कैसे बच के निकलना है, इतना तो आप जानते हैं ना। प्रदेश सरकार उसको चुनौती दे सकती है, प्रदेश सरकार को लगता है कि कोई अनियमितता की गई है तो इनकम टैक्स के आदेश को चुनौती दे सकती है सुप्रीम कोर्ट में, हाईकोर्ट में। ठीक है, लेकिन आप को पता है ना कि कानून के साथ भी कैसे खेलते हैं, जो कानून के जानकार होते हैं वही कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये तो आप जानते हैं ना, बखूबी जानते हैं। बीइंग एडवोकेट आप इस बात को एग्री करते हैं। कानून के जानने वाले कानून से ही लड़ाई लड़ते हैं और कानून में सारे प्रावधान दिए हुए हैं। कानून में सारे प्रावधान है, आपको पता है ना मैरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, आपको पता है कि प्रोटोकॉल तोड़ा गया है, आप अपने हिसाब से जब आप कंफर्टेबल जोन में होंगे। जज कोई बहरा लोहरा नहीं होता है, जज जो है कानून देखते नियम को करता है, वकील कितना भी बोल ले। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आशीष, पूरा कॉन्वर्सेशन आपने सुना, बताएं। जी बिल्कुल, पूरा कन्वर्सेशन सुना है और फिलहाल अब जब ये इनकम टैक्स की रेड चल रही है तो फिलहाल इंतजार इस बात का होगा कि रेड में किस तरीके से फैक्ट्स निकल कर सामने आते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन जुटाया था इनकम टैक्स को और उस इनपुट्स के आधार पर ही जो रेड की कार्रवाई की जा रही है, क्या वो मैचअप होती है, क्या उसका मिलान होता है या फिर ये एक महज पॉलिटिकल रिवेंज के तौर पर ये पूरा कार्रवाई होगा, ये फिलहाल देखा जाएगा और इस पर इंतजार होगा। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण जो अवेटेड थिंग है वो ये है कि इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन किस तरीके से देखने को मिलते हैं। सचिन, उपासने को जरूर बीजेपी का एक पक्ष माना जा सकता है, लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, बजट सत्र चल रहा है और चलते बजट सत्र के बीच इनकम टैक्स की ये बड़ी रेड होती है तो जाहिर सी बात है कि सदन के भीतर भी इस मुद्दे पर चर्चा होगी, चर्चा हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू इस चर्चा के दौरान ये होगा कि सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पर क्या अपना वक्तव्य देते हैं, ये सबसे गौर करने वाली बात होगी क्योंकि उनके मातहत इसमें जद में आए हैं, इनकम टैक्स की कार्रवाई के उनके करीबी इस इनकम टैक्स कार्रवाई की जद में आए हैं। और न केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान बेहद महत्वपूर्ण होगा, साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण होगी कि डॉक्टर रमन सिंह इस पर
इस तरीके का रिएक्शन देते हैं, क्योंकि जो विवेक ढांड है, विवेक ढांड भी इस इनकम टैक्स जद में आए हैं, उनके घर पे, उनके ठिकानों पर भी कार्रवाई चल रही है, और यही वो विवेक ढांड है जो रमन सरकार में 4.5 साल तक चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इस सरकार में भी, इस मौजूदा सत्ता की व्यवस्था में भी विवेक ढांड एक महती भूमिका निभाते दिखते हैं। तो इंतजार करना होगा कि देर शाम तक माना जाए कि प्रारंभिक तौर पर तो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इन शहरों के ठिकानों पर रेड हुआ है, इनके ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की है, लेकिन कार्रवाई के बाद किस तरीके के फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, वाकई में क्योंकि शाम तक का इंतजार बेहद ही जरूरी हो भी जाता है, क्योंकि फर्स्ट प्राइमा फेसी क्या कुछ खुलासे होंगे ये तो हमें शाम तक ही पता चलेंगे। एक बार हेमंत का भी रुख कर लेते हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं। हेमंत, आपको आवाज मिल रही है? लगता है हेमंत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आशीष, वाकई में जिस तरह से आपने कहा है, इस बात का भी जिक्र किया है कि हाँ, विधानसभा की कार्यवाही भी चल रही है और सदन में हंगामा होना लाजमी है और कई आरोप प्रत्यारोप का दौर अब यहाँ से शुरू होगा, तो कितना पॉलिटिकली माइलेज अब दोनों ही पार्टियां उठाएंगी और इस पूरे घटनाक्रम को फिर अब हम किस तरह से देखते हैं, क्या कोई नया सिनेरियो अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में हमें देखने को मिलेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनपुट के आधार पर ये कार्रवाई को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन ये पूरी कार्रवाई एक राजनीतिक खींचतान के बीच सिमटती दिखने वाली है, ये तो तय है, क्योंकि सत्ता के करीबियों के ठिकानों पर छापा पड़ा है। सत्ता के करीबी ये कौन लोग हैं जो सरकार चलाने में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं? विवेक ढांड रेरा के चेयरमैन है, अनिल कुटेजा मुख्यमंत्री के बेहद करीबी अधिकारी माने जाते हैं छत्तीसगढ़ में, पप्पू भाटिया एक बड़े शराब कारोबारी हैं, और सत्ता किसी की भी राज्य में रही हो, सत्ता में इनकी दखल हमेशा मजबूत स्थिति में आकी गई है। गुरुचरण होरा एक बड़े होटल व्यवसायी है और सत्ता के करीबी चेहरों में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। संध्या संचेती के नाम का जिक्र करें या कमलेश जैन का, ये सत्ता की धुरी के इर्द गिर्द घूमने वाले ही चेहरे हैं, और ऐसे में जब इनकम टैक्स की ये रेड पड़ती है और रेड इंटेलिजेंस इनपुट, वो भी सेंट्रल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर मारा जाता है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय किया जाता है ताकि राज्य पुलिस का दखल इस पूरी कार्रवाई के दौरान ना हो, तो इसके सीधे से मायने यही निकाले जा सकते हैं कि पॉलिटिकल रिवेंज के लिए पूरी कार्रवाई को सेंट्रल आईबी ने एग्जीक्यूट किया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पॉलिटिकल रिएक्शन जो इस तरीके से आएंगे उसके अनुमान के आधार पर ये बात मैं कह रहा हूं। फिलहाल सदन की कार्रवाई चल रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आधे घंटे एक घंटे के भीतर पॉलिटिकल रिएक्शन इस मसले पर, इस घटना के बाद आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, बने रहिए आशीष, और हमारे साथ हेमंत भी बने हुए हैं, लगातार हम इस बड़ी कवरेज पर जुड़े हुए हैं और लगातार पल पल का अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन रुक रहे हैं बेहद ही एक छोटे से ब्रेक के लिए।